दोस्तों लेके आ गया हूँ और भी एक जबरदस्त वीडियो। दोस्तों आसूस लेके आया अपना नया टच लैपटॉप जिसकी प्राइस रेंज आपको बिलो 25,000 के अराउंड आपको देखने को मिलते हो, जिसमें प्राइस रेंज को देखते हुए काफी अच्छी स्पेक्स आपको देखने को मिलती है। अगर दोस्तों आपका बजट काफी ज्यादा कम है, एक टाइट बजट है, आपको एक अच्छा लैपटॉप परचेज करने की सोच रहा हो, चाहे स्टूडेंट के लिए, चाहे ऑफिस के वर्क के लिए, चाहे डेली यूजेस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और खास भी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों आसूस लेके आया अपना नया क्रोमबुक लैपटॉप जिसकी प्राइस रेंज आपको बिलो 25,000 के अराउंड आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों इस लैपटॉप को आप एक टैबलेट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ भी यूज़ करनी है, सब्सक्राइब। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारी वीडियो देख रहा हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए हमारी वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए जैसे कि हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुगुल परियार, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुगुल परियार MGT में। लेके आया हूं बहुत ही कमाल की वीडियो। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हमारा आसूस की तरफ से क्रोमबुक लैपटॉप आता है, जो आता है आसूस क्रोमबुक C523। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में, इसके परफॉर्मेंस को लेकर। और परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं इस लैपटॉप के इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको इंटेल की तरफ से इंटेल सेलेरॉन ड्यूल कोर का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। साथ में आपको 4GB की आपको रैम आपको देखने को मिलती है, जिसको आप मैक्सिमम 8GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। साथ में आपको 64GB की आपको इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलती है, LPDDR4 की आपको रैम टाइप आपको देखने को मिलती है, और eMMC की आपको स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों इसकी स्टोरेज को आप मैक्सिमम 2TB तक आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। और दोस्तों इस लैपटॉप को आप परचेस करते हो तो आपको गूगल ड्राइव पे आपको 100GB का आपको स्टोरेज भी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों इस लैपटॉप को 180° आप टिल्ट भी कर सकते हो। बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में, इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको दो तरीके की आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, आपको टच डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, और दूसरी आपको नॉर्मल डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, जो आपको बाकी के लैपटॉप में आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लैपटॉप की, इसके मेन डिस्प्ले को लेकर। तो इसमें आपको 15.6 इंच का आपको काफ़ी बड़ा आपको LED का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप अपने लैपटॉप में 4K अल्ट्रा HD में आप वीडियोज भी चला सकते हो, क्योंकि ये लैपटॉप 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है। साथ में आपको 60Hz की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों आसूस का कहना है आपको 80% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी पतले आपको इसमें बेजल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इस लैपटॉप को आप एक नोटपैड की तरह आप यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि ये लैपटॉप टच आईडी के साथ आता है, तो उसको टच करके आप कंट्रोल भी कर सकते हो, और इसको आप दोस्तों टैबलेट की तरह आप यूज़ भी कर सकते हो, काफ़ी दोस्तों अच्छी बात है। साथ में आपको 200 nits की आपको पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें दोस्तों आपको क्रोम OS आपको देखने को मिलता है। अब हम मेरे से कहोगे सोल बाय क्रोम OS होता क्या है? अब दोस्तों ये लैपटॉप कह सकते हो बिल्कुल एक स्मार्टफोन की तरह, बस इसमें आपको एक कीबोर्ड और आपको कह सकते हो इसमें टच कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं, वरना ये पूरा दोस्तों कह सकते हो लैपटॉप एक स्मार्टफोन की तरह है। इसके दोस्तों OS के ऊपर मैं क्रोम OS के ऊपर कुछ दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जिसको आप पता लगा के अब पूरी तरीके से आप जज कर सकते हो ये लैपटॉप दोस्तों बिल्कुल एक कह सकते हो स्मार्टफोन की तरह है। अगर दोस्तों जिसने स्मार्टफोन चलाया है तो इस लैपटॉप को बिल्कुल अच्छी तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि इसमें और एक स्मार्टफोन में दोस्तों कोई अंतर नहीं है चलाने के मामले में। और दोस्तों लैपटॉप में आपको 720p का आपको HD का वेब कैमरा भी आपको देखने को मिलता है, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो। ग्राफिक्स प्रोसेसर के बारे में बात करो तो लैपटॉप में आपको इंटेल की तरफ से इंटेल HD 500 का इसमें आपको ग्राफिक्स प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं लैपटॉप के बारे में, इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 4.2 आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको वाईफाई 5 आपको देखने को मिलता है, जो डुअल बैंड वाईफाई के साथ आता है। बात करते हैं लैपटॉप के बारे में, इसके ऑडियो आउटपुट के बारे में। तो इसमें आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो लाउड भी है। साथ में आपको इनलाइन माइक्रोफोन भी आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको गूगल असिस्टेंट भी आपको देखने को मिलता है। अगर दोस्तों लैपटॉप के मैं बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले ये लैपटॉप दोस्तों क्रोम OS के साथ आते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा, अगर आप विंडोज लैपटॉप से आप कंपेयर करते हो। आसूस का कहना है इस लैपटॉप में आपको 10 आवर का आपको बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छा है। और इस लैपटॉप में आपको
45 वोल्ट्स की आपको चार्जिंग स्पीड आपको देखने को मिलती है, चार्जिंग ब्रेक आपको देखने को मिलती है, और ये लैपटॉप कह सकते हो टाइप सी के साथ आता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में, इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, तो लैपटॉप की प्राइस आपको 24,999 इस लैपटॉप की प्राइस है, जिसमें आपको टच स्क्रीन के साथ आता है। और दोस्तों इस लैपटॉप में आपका दूसरा वेरियंट भी आपको देखने को मिलता है 20,999, जिसमें आपको टच स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलती। तो अगर आपको थोड़े बहुत पैसे बचाने हैं तो आप इस लैपटॉप पर जा सकते हो, वरना मैं आपसे कहूँगा 2,000-3,000 रुपये ऐड करो, जिससे आपको टच स्क्रीन वाले लैपटॉप मिल जाएगा, जिससे आप काफ़ी अच्छी तरीके से आप एक टैबलेट की तरह आप यूज़ भी कर सकते हो। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो दूसरा वाला वेरियंट को भी आप ट्राई कर सकते हो। और लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो ये लैपटॉप अपनी इंडिया में लॉन्च हो गया है, लैपटॉप की आपको पहली सेल आपको 22 जुलाई को आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं कॉन्क्लूजन, दोस्तों मेरे को क्या लगता है ये लैपटॉप आपको रिकमेंडेड करना चाहिए कि नहीं। अब दोस्तों सबसे पहले ये क्रोम लैपटॉप आपको जिस प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है 25,000 के रेंज में, मेरे को नहीं लग रहा दोस्तों आपको विंडोज लैपटॉप आपको इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेंगे, वो भी इससे अच्छी या इससे इक्वल स्पेसिफिकेशन के साथ। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा कम है, एक टाइट बजट है, आपको एक अच्छा लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो, तो आप इस लैपटॉप को चेकआउट भी कर सकते हो। और दोस्तों लैपटॉप टच आईडी के साथ आता है, तो ये लैपटॉप को दोस्तों आप टैबलेट की तरह आप एक नोटबुक की तरह यूज़ भी कर सकते हो, उसमें आपको क्रोम ओएस आपको देखने को मिलता है, जो कह सकते हो एक स्मार्टफोन की तरह बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम यूआई है। तो आपको इस लैपटॉप को सीखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप एक नए स्टूडेंट हो, आप एक पहली बार लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो, आपका बजट काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आप इस लैपटॉप को चेकआउट भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट्स है या जो भी क्वेरीज है आसूस की तरफ से आने वाले लैपटॉप के बारे में, या और भी कोई क्वेश्चंस है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर दोस्तों लैपटॉप के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो, जैस लैपटॉप को परचेस करना चाहते हो, तो लैपटॉप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो और परचेस भी कर सकते हो। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना डेली ऐसी यूनिक्स वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।